अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, ज़मीन व आसमान, जिन्नो इंस, फरिश्ते सब एक दिन फना होने वाले हैं। सिर्फ़ एक अल्लाह ताला के लिए हमेशगी और बका है। लेकिन दुनिया के फना होने से पहले चंद निशानियां ज़ाहिर होंगी, जिनको हम क़यामत की निशानियां कहते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं चंद निशानियों का ज़िक्र करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये वीडियो कई पार्ट में होगा। आपसे दरख्वास्त है कि तमाम वीडियोस को मुकम्मल देखें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, वो चंद निशानियाँ जो क़यामत के ज़ाहिर होने से पहले यानी दुनिया के फना होने से पहले ज़ाहिर होने हैं, जिन निशानियों को, वो कुछ इस तरह से है। नंबर एक, तीन खस्फ होंगे यानी आदमी ज़मीन में धंस जाएंगे। एक खस्फ मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा जज़ीरे अरब में होगा। दूसरी निशानी यह है कि इल्म उठ जाएगा यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। इसका ये मतलब मत समझिएगा कि उलमा तो बाकी रहेंगे और उनसे इल्म ख़त्म कर दिया जाएगा, उनके दिल से इल्म को मिटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तीसरी निशानी यह है कि जहल की कसरत होगी। चौथी निशानी यह है कि ज़िना की ज़्यादती होगी और इस बेहयाई के साथ ज़िना होगा जैसे गधे जुफ्ती खाते हैं, बड़े छोटे किसी का लिहाज पास ना होगा। पांचवी निशानी यह है, मर्द कम होंगे और औरतें ज़्यादा, यहाँ तक कि एक मर्द के की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। छठी निशानी यह है कि उस बड़े दज्जाल के अलावा 30 और दज्जाल होंगे कि वो सब दावे नबूवत करेंगे, हालांकि नबूवत ख़त्म हो चुकी है, जिनमें से बाज़ गुज़र चुके जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी, सज्जाह औरत का नाम है जो इस्लाम बाद में इस्लाम भी ले आई, ग़ुलाम अहमद कादियानी वगैरह, और जो बाकी हैं वो ज़रूर होंगे। सातवीं निशानी यह है कि माल की कसरत होगी, नहर फरात अपने ख़जाने खोल देगी, वो सोने के पहाड़ होंगे। आठवीं निशानी यह है कि मुल्क अरब में खेती और बाग और नहरें हो जाएंगी। नवीं निशानी यह है कि दीन पर कायम रहना इतना दुश्वार होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना, यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। दसवीं निशानी यह है कि वक्त में बरकत ना होगी, यहाँ तक कि साल मिसल महीने के और महीना मिसल हफ्ता के और हफ्ता मिसल दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जल्द भड़क कर ख़त्म हो गई, यानी बहुत जल्द जल्द वक्त गुजरेगा। ग्यारहवीं निशानी यह है कि ज़कात देना लोगों पर गिरा होगा, उसको लोग तावान समझेंगे। बारहवीं निशानी यह है कि इल्म दीन पढ़ेंगे मगर दीन के लिए नहीं। तेरहवीं निशानी यह है कि मर्द अपनी औरत का फरमाबरदार होगा। चौदहवीं निशानी यह है कि माँ बाप की नाफरमानी करेगा। पंद्रहवीं निशानी यह है कि अपने अहबाब से मेल जोल रखेगा और अपने बाप से जुदाई रखेगा। सोलहवीं निशानी यह है कि मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। सत्रहवीं निशानी यह है कि गाने बाजे की कसरत होगी। अगलों पर अठारहवीं निशानी यह है कि अगलों पर लोग लानत करेंगे, उनको बुरा कहेंगे। और उन्नीसवीं निशानी यह है कि दरिंदे, जानवर, आदमी से हम कलाम करेंगे, जूते का तस्मा कलाम करेगा, उसके बाज़ार जाने के बाद जो कुछ घर में हुआ बताएगा, बल्कि ख़ुद इंसान की रान उसे खबर देगी। बीसवीं निशानी यह है कि जलील लोग, जिनको तन का कपड़ा, पाँव की जूतियाँ नसीब न थी, बड़े बड़े महलों में फ़ख्र करेंगे। नाज़रीन किराम, इसके अलावा और भी क़यामत की निशानियाँ हैं, जैसे दज्जाल का निकलना और भी दीगर चीज़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसको दूसरे एपिसोड में आपके सामने पेश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।